हाय एवरीवन, आज मुझे यूट्यूब में अचानक से ये कमेंट दिख गया और मैंने उसको गलती से कुछ और रिप्लाई कर दिया था। फिर सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि उनके जो मार्क्स दिख रहे हैं वो तो कुछ और चीज़ के हैं। फिर कुछ मुझे पता चला कि वो यूजी के रिगार्डिंग बात कर रही हैं और मैं बिल्कुल उस दिशा में ध्यान नहीं दे पाया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और मैंने तुरंत ही डबल ए ट्रिपल सी के साइड से यूजी का जो शेड्यूल है, मतलब ऐसे बच्चे जिनको यूजी में एडमिशन लेना है, मतलब बीएएमएस, बीएचएमएस, यूनानी, नेचुरोपैथी, इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उनके लिए जो डबल ए ट्रिपल सी के जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो क्या है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। हालांकि कई राउंड, एक राउंड हो चुका है इसका, फिर भी अब नेक्स्ट के लिए गलती ना हो मुझसे और आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं सोचा जो क्विकली आपको इसको बतला देता हूँ शेड्यूल क्या है। तो स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा AIQ UG शेड्यूल, ठीक, अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया कोटा UG सीट्स फॉर एकेडमिक सेशन 21-22। राउंड वन की जो रजिस्ट्रेशन थी 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक थी, तो ये राउंड वन वाला प्रोसेस तो गुजर चुका है और रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट 7 फरवरी, ये भी आ चुका है 7 फरवरी तक। ये सब काम, मतलब आप लोग का पहला राउंड वाला चीज हो गया होगा। दूसरे राउंड की बात अपन कर लेते हैं क्योंकि ये भी होना बचा हुआ है। तो दूसरे राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 18 फरवरी से स्टार्ट होगा जो कि 22 फरवरी तक होगा, दोपहर के 3 बजे तक। तो दूसरे राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। और पेमेंट फैसिलिटी 22 फरवरी को वही शाम के 6 बजे तक रहेगा, 23 तक आप, 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 6 बजे तक पेमेंट आपका हो जाना चाहिए, ऐसे ध्यान रखिएगा। कब? 18 से 22। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब से करना है, तो 19 फरवरी से आपका चॉइस फिलिंग वाला ओपन हो जाएगा विंडो, 22 फरवरी तक आप लॉक कर सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये 23 फरवरी को राउंड टू का रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा, दिख जाएगा आप लोगों को, 23 से 24 फरवरी में डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब प्रोसेस होगा, सॉरी डिस्प्ले नहीं होगा, प्रोसेस होगा। पब्लिकेशन तो 25 फरवरी को है, तो 25 फरवरी को डिस्प्ले हो जाएगी राउंड टू के रिजल्ट की, किसको कहाँ सीट्स मिल रही है, नहीं मिल रही, और फिर उनको रिपोर्ट करना है 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच, ये उतना समय इनको मिलेगा कि 26 फरवरी से 5 मार्च तक आप राउंड टू में जो भी सीट अलॉट हुई हैं वहां जाकर अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। राउंड थ्री या फिर जिसको अपन मॉप अप राउंड बोलते हैं, उसके लिए 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका। फिर थर्ड मॉप अप राउंड में जो चॉइस फिलिंग वाला काम है वो 12 मार्च से ओपन हो जाएगा, 14 मार्च तक होगा। प्रोसेसिंग 15 मार्च को होगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 मार्च को डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट। तो राउंड थर्ड का रिजल्ट होगा 16 मार्च को डिस्प्ले होगा और आपको एडमिशन लेना होगा 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। फिर उसके बाद जो वैकेंसी स्ट्रे राउंड बचे होंगे, जो भी सीट्स कहीं कहीं खाली रहेंगी, उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, तो उसके लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाया स्ट्रे राउंड के ऊपर, पीजी के लिए बेसिकली वो, पर वो यूजी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नो चॉइस फिलिंग, मतलब पहले आपने जो पार्टिसिपेशन किया है उसमें जो चॉइस फिलिंग की है लास्ट वाले राउंड में, वही वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और प्रोसेसिंग 24 मार्च को होगा, रिजल्ट 25 मार्च को आ जाएगा और 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एडमिशन लेना होगा यूजी के लिए, क्योंकि एनसीआईएसएम की गाइडलाइन आ चुकी है कि 31 मार्च तक एडमिशन आप लोगों को करवाना ही है पूरा, ठीक है। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम यूनिवर्सिटीज, क्योंकि बाकी सब तो डबल ए ट्रिपल सी ही कराएगी, डीम्ड वाली जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, उसको उनके पास भेज दिया जाएगा लिस्ट को, तो उनका काम होगा 25 मार्च तक करवा लें और 31 मार्च तक एडमिशन आप लोगों का सब हो जाना चाहिए, सबको ध्यान रखना है उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये यूजी के लिए काउंसलिंग शेड्यूल था, मैं बतला नहीं पाया था, पहला राउंड तो गुजर चुका है पर दूसरा राउंड अभी आने वाला है, 18 फरवरी से 22 फरवरी के बीच उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है जिसने कमेंट किया था उसको अब ये आंसर दिख गया होगा कि कब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी थी आप तो उस समय, अब ये करेक्ट कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ऑल दी बेस्ट टू यूजी स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं इधर बीएएमएस के लिए, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जरूर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। थैंक यू।